हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर होना चाहिए। और अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो मैं जा रही हूँ नानू के घर, और मेरी मम्मा जा रही हैं, और मेरे बाबा जा रहे हैं मार्केट। मम्मा चप्पल लेने जा रही हैं, मेरा मतलब सैंडल, और बाबा कुर्ता लेने जा रही हैं। तो गाइस, आप हमारी वीडियो को ऑल इस 30 लोग ना सब्सक्राइब कर देते हैं, 30 लोग नहीं करते, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं इस व्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब 1K तक पहुँचा दें सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोशिश है कि फाइनल बस आज सब चीज़ें ले लें। सबसे पहले मेरी नज़र इस स्टॉल पर पड़ी, जो कि ईद कार्ड्स का था, और यहाँ पे सारे ईद कार्ड्स थे, बहुत अच्छे अच्छे ईद कार्ड्स थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अट्रैक्ट करेंगे बच्चों को भी, आप लोग यहाँ से ज़रूर लें। इसके अलावा यहाँ पे जो मॉल है, यहाँ पे हम अंदर आए हैं शॉप में, तो यहाँ पर 3-piece सूट बहुत अच्छे लग रहे थे, और पिंक वाला सूट तो मेरे पास है ही इसमें, तो यहाँ पर 3-piece सूट थे, कॉटन के थे, थोड़े से काम वाले भी थे, नॉर्मल भी थे, फैंसी भी थे, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, लीजिएगा, यहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे आप लोगों को टॉप्स भी मिलेंगे, स्कर्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक बैग की शॉप पर आई हूँ, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बैग्स थे, क्लचेस थे, हैंड बैग हैं, ज्वेलरी बैग है, और बैकपैक है। आपको जो चाहिए यहाँ से आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। मॉल के अंदर ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चूड़ियों की दुकान है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी चूड़ियों की, और काफ़ी यहाँ से कस्टमर चूड़ियाँ ले भी रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप दिखा रही हूँ, बच्चों के और बड़ों के दोनों के। तो ये फिर 3-piece सूट्स की दुकान है, कॉटन की है, और यहाँ पे बैग्स की शॉप भी आ गई थी बराबर में ही, तो बैग्स भी इनके पास थे। तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल कर थोड़े से मेरे फेवरेट सेव बन रहे थे, तो मैंने सेव लिया। उसके बाद हमें मार्केट से सामने वाले एरिया में आए, जहाँ पे जेंट्स की शॉप थी, यहाँ पे कुर्ता शलवार जो था वो हमें देखना था, तो बहुत ही ज़बरदस्त कुर्ता शलवार की वैरायटी थी। यहाँ पे बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। इसके सामने ही एक छोटा सा स्टॉल लगा था बच्चों की चीज़ों का, जैसे क्लिप्स थे, हेयर बैंड था, कैचर्स थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा इनके पास, तो मैंने इसलिए इनसे नहीं लिया। कर ली है फलीन के लिए, मैंने मार्कर किए हैं ताकि ये घर में आराम से बैठें और कलर करें। तो अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन अब बस हो गई है, अब देखेंगे हम बाद में। और जो चीज़ें लेनी थी वो तो मैंने, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा प्यार दें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।